सलीम मिराज नस्ल इंसानी ताबीन दगी के इस्तेहकाम का एक जौहरे गिरा माया है। मिराज फरूगे कामयाबी के तजल्लियों का आफताब महताब है। मिराज बहारे इंसानी का एक मेयार है। मिराज दीदारे रब्बानी का एक जौहर है। मिराज रहमते रब्बी की आगोश में जाने का एक बहाना है। मिराज नुसरत इलाही के शगुफे की महक से दिलो दिमाग को मुअत्तर करने का एक जरिया। टाटा के तरन्नुम सैयदी साहब से रहा ना गया, कहते एक पल भी गुजरा, एक पल भी ना गुजरा के पहुंचे वहां, और लौटे तो था घर में बिस्तर यहां। अकले साइन से हैरान है आज तक मेरे आका की रफ्तार के सामने। मिराज जालिम मिराज जिस्मानी का इंकार करता है, कहते हैं कि इतना भारी जिस्म मिराज में कैसे चला गया। अगर वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो रब्बे कदीर ने सारे इतराज करने वाले के दीवार की बुनियाद को गिरा दिया लफ्ज सुभान अल्लाह। अल्लाह को हमेशा से मालूम है, हमेशा तक रहेगा कि मैं जब महबूब को बुलाऊंगा यहूदी इतराज करेगा, मुनाफिक इतराज करेगा, मुशरिकीन इतराज करेगा, मुखालिफ इतराज करेगा, मुआनिद इतराज करेगा, मुतअन्नितीन इतराज करेगा, मुतमर्रदीन इतराज करेगा। तो रब्बे कदीर ने पहले ही वार्निंग दे दिया। सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात। अरे ये ना देखो मेरा महबूब अपने जा रहा है, महबूब को मैं ले जा रहा हूं। महबूब तुम नहीं जा रहे हो, मैं ले जा रहा हूँ। तो ले जाने वाला पाक, जाने वाला पाक, ले जाने वाला बेअैब, जाने वाला बेअैब, ले जाने वाला नूरुन अला नूर, और उसी नूर का परतवे नूर नूरे मुस्तफा। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने ये पहले ही सारे इतराजातों सुखों को सुभान के दरवाजों की बुनियाद को गिरा दिया। एतराज करने वाले एतराज न करना, मैं दलील तेरे घर से दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी को इसीलिए मकामे उम्मे हानी ही में मेराज करवा दिया। क्यों मेराज हुई? देवबंदी वहावड़े कहते हैं कि मेराज रूहानी हुई है। अबे मेराज रूहानी तो इमाम आजम भी कर लिए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुलफाए अरबा ने कर लिया है, सिद्दीकीन ने कर लिया है, आदिलीन ने कर लिया है, शहीद शाहिदीन ने कर लिया है, वफा शहर कुछ साहबों ने कर लिया, साहबा ने कर लिया है। मेरा ये जिस्मानी हुई, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नी रायतो रब्बी मर्रत, मैंने अपने रब को दुनिया में जिस्मानी आंख से दो बार देखा। अरे बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो परवरदिगारे आलम अपने महबूब को बुला रहा है। महबूब घबरा नहीं, ताइफ के सरजमीन पर जुल्म और सितम की आंधियां चलाई गई, दंदा ने मुबारक शहीद किए गए, जोर और जफा का बादल छाया। मुस्तफा तने तनहा सोच रहे हैं, अबू तालिब भी गुजर गए, जाहिर कोई यारो मददगार नहीं, मुस्तफा सोच ही रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला के ले आओ। अल्लामा का जुमला आप समाप्त फरमाइए। अल्लामा अरशदुल खादरी अलैहि रहमतो व रिजवान, जिनका एहसान है आज पूरे झारखंड बिहार बंगाल में सुन्नियत का झंडा मसलके आला हजरत का झंडा लोग लहरा रहे हैं। कहते हैं रजब की 26वीं तारीख थी, रात के गेसू बिखरे हुए थे तारों की छांव में, कायनात का मरकज़े अकीदत आज मकामे उम्मे हानी में जलवाबार है, और उसी लिबास बशर में जिब्रील अपने लबहाए मुबारक को तलवे मुस्तफा से मस करते हैं, मुस्तफा बेदार होते हैं। नबी फरमाते हैं कहो जिब्रील कैसे आना हुआ, कहो जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील करते हैं इन्नल्लाह कद इस्तक़ा लकरा या रसूल अल्लाह, आपका रब आपसे मिलना चाह रहा है, आपका रब आपसे मिलना चाह रहा है। मेरे मुस्तफा उठ गए, कहा कि हुजूर वजू बना लिया जाए, वजू बनाए, दो रकत नमाज नफल अदा कर ली गई,
पढ़ लिए, अब बुराक पे जा रहे हैं, मगर बुराक इधर से उधर हो रहा। अरे बोलो यार मोहब्बत, खरामे नाच से बिल्कुल अटखेलियां ले रहा है, अंगड़ाइयां ले रहा है, कभी इधर नचा रहा है, कभी उधर नचा रहा है, पिदक रहा है। जिब्रील ने कहा, क्या बुखराती कर रहे हो? अरे मालिक कायनात तेरे पुश्ते पर सवार होंगे, संभल जाओ, संभल जाओ। बुराक ने कहा, मैं नखरा नहीं कर रही हूँ, मैं फुटानी नहीं कर रही, मैं तकबर नहीं कर रही, मैं इस्तेहज़ा नहीं कर रही, मैं किबले का शोले जवाला नहीं बन रहा हूँ, मैं ये तमन्ना कर रही हूँ कि मुस्तफा आज जब मैं आपको अपनी पीठ पे ले जाऊं, तो कल आपका गुनहगार उम्मती जब पुलसरात पे गुजर नहीं पाएंगे, तो आका वो पावर हमें दे दे कि मैं उनको लेके पार कर दूं। या रसूल अल्लाह, आज जो है मुझे वो पावर भी दे दे। जिब्रील रसूल मलाइका है, मगर ये भी नहीं कह रहा है कि मुस्तफा मेरे तरह है। जिब्रील भी नूरू लाना नूर और मुस्तफा भी नूरू लाना नूर, मगर इधर अक्से नूर, इधर नूरू लाना नूर, इधर इनकासे नूर, मगर नूरी जमात भी नबी को अपनी तरह नहीं कह रही है। कह रही है, या रसूल अल्लाह आप तो मालिक हैं, तो कह दे मुस्तफा। मुस्तफा फरमाते हैं, रुक गए मुस्तफा, रब की बारगाह से आवाज आई, महबूब तवक्कुफ ना करो, महबूब जन्नत मुंतजिर है, फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। ऐ महबूब, जहन्नम की आग को ठंडी कर दी गई है, मेरा महबूब आ रहा है। ऐ महबूब जल्दी आ जाओ, जन्नत मुस्कुरा रही है, पूरो गिलमा अपने रंग में है, जमाल याद का वो नुक्ता कमाल का तोहफा लेकर के हाजिर है। महबूब यहाँ जमाल का इंतहा है, महबूब तेरे कदम के तलवों के सामने वो मान पड़ जाएगा। ऐ महबूब आ जाओ। मुहम्मदिन माजिन जुल्वल करम वाली ही वबारिक वसल्लिम। बड़ी जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अजीजान मिल्लत इस्लामिया आगे बढ़े। और मुस्तफा ने कहा कि या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, ऐ परवरदिगार, आज तूने अपने महबूब के लिए बुराक भेज करके बहुत जबरदस्त इस्तकबालिया मंदर कशी की है मौला, मगर कल मेरा गुनहगार उम्मती जब पुलसरात पे चढ़ेंगे, गुजर नहीं पाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा मौला? तो कहा मलब्बे खदीर फरमाता है, बोल अभी, बोल तू क्या चाहता है? महबूब बोलो, तेरी रजा में मेरी रजा है, महबूब बोल दे। मुस्तफा अदब से कहते हैं, या अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है, या अल्लाह आज जिस तरीके से बुराक के पुश्ते पर मुझे सवार करके ले जाया जा रहा है, कल मेरे मानने वाले के लिए एक एक बुराक होना चाहिए, कल मेरे मानने वाले के लिए एक एक बुराक मिल जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर यही तेरी ख्वाहिश है तो चल, मैंने तेरी ख्वाहिश को पूरी कर दी। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माधिन जुदवल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। मुस्तफा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, मकाम उम्मे हनी से वहां अंबिया है, मुरसलीन है, जो बेईमान कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वहाँ मुसल्ला खाली है, आदम है, नूह है, मूसा है, दाऊद है, इब्राहिम है, इस्माइल है, सारे अंबिया है, सारे मुरसलीन है, मुसल्ला खाली है। जिब्रील आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मुसल्ला आगे है, जाए इमामत खाली है, आका आप नमाज पढ़ा दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो आदम क्यों आए, मूसा क्यों आए, इब्राहिम क्यों आए, दाऊद क्यों आए, नबी क्यों आए, रसूल क्यों आए? अरे मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुकद्दस में अंबिया का जाना, नमाज पढ़ना, जिंदगी ये जावेदानी की दलील है। हाय हाय, आदम जिंदा, नूह जिंदा, इब्राहिम जिंदा, सारे नबी जिंदा, सारे मुरसलीन जिंदा, और जब मुक्तदी जिंदा तो इमाम जिंदा। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, जिंदा है नारे, मेरी सारे आलम से छुप जाने वाले अजीजान मिल्लत इस्लामिया। सवाल पर सवाल कायम हो रहा है, ये मेरे
पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान है। मैंने अपने पीर से यही कहा था, मेरे सर पे हाथ रख दीजिए कि मैं मौलाना हो जाऊँ। कहा कि ठीक है, और कुछ चाहिए? कहा कि नहीं हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे नुखाते बारिया, ऐसे ऐसे नुखाते जलीला, ऐसे ऐसे नुखाते सैलाब जारी हो चुका है। पूरी रात बोला जाए बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि बात मुस्तफा की है, बात हमारी नहीं है, बात कुरान की है। जिसने भेजा, जिसने बुलाया, वो बेआयब है, जो जा रहा है वो बेआयब है। लब्ज़े सुभान से एक झलक और बता दूं, क्या यहूदी एतराज न करना, अरे मैं ले जा रहा हूँ, महबूब अपने से नहीं जा रहे हैं। असरा कलम से आया, पढ़ा लिखा तबका है, एक जुमला कह करके गुजर जाऊं, अजहबा भी आ सकता था, मगर असरा का लफ्ज क्यों आया? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मुहक्किकीन फरमाते हैं, असरा का लफ्ज जो है ये खुशी पर बोला जाता है, ये मसरत पर बोला जाता है, ये इंतशाब पर बोला जाता है, ये सुरूर पर बोला जाता है, ये शादमानी पर बोला जाता है, ये खुशी पर बोला जाता है, और अजहबा दुख में भी बोला जाता है, खुशी में भी बोला जाता है। तो रब्बे कदीर ने ऐसा लफ्ज लाया कि नबी का मकामे उम्मे हाली थे, निकलना खुशी, मस्जिद हराम में गए खुशी, मस्जिद अक्सा में गए खुशी, आसमान पे गए खुशी, अर्श पे गए खुशी, ला मकाम में गए खुशी, मकाम दना फतह दल्ला पहुंचे महबूब। आगे बढ़, आगे बढ़ ए महबूब, रुकना नहीं। जिब्रील ने तो कहा या रसूल अल्लाह अब नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो फरोगे तजल्ला से मेरा पर जल जाएगा। तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि जिब्रील अगर तेरी तमन्ना है तो कह दे, तेरी आरजू है तो कह दे, कोई तुम्हारी ख्वाहिश है तो कह दे। क्या हजरत इब्राहिम को जब नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो जिब्रील वहां गए और कहा कि इब्राहिम इजाजत हो तो मदद कर दूं। इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब जान रहा है। तो मेरे आका उसी का जवाब दे रहे थे, ए जिब्रील तुमने मेरे दादा से कहा था, आज मैं तुमसे कह रहा तेरी कोई आरजू है तो कह दे, कोई तड़प है तो कह दे, कोई भूख है तो कह दे, कोई इस्तराब है तो कह दे, कोई ख्वाहिश है तो कह दे, कोई अपील है तो कह दे। जिब्रील ने वही ख्वाहिश जाहिर की, या रसूल अल्लाह बस आपकी उम्मत को मैं कुल सलात से गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। अब मुस्तफा आगे बढ़े, जना फतदल्ला, अरे बोलिए ना यार सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ झारखंड में तकरीर कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बरेली में तकरीर कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दना फतह अल्लाह, दना में तीन हुरूफ, तवज्जो चाहता हूँ, और फतह अल्लाह में तदल्ला में चार हुरूफ। दना का माना कुर्ब, और दल्ला का तदल्ला का माना करीब, कुर्ब करीब, कुर्ब मस्दर करीब, सिफत मुसब्बा, तवज्जो चाहता हूँ, कुर्ब मस्दर करीब, सिफत मुसब्बा, और सिफत मुसब्बा वो है जो बतौर सबूत दलालत करता है, जमाना नहीं होता, माजी नहीं होता, मुस्तकबिल का तसव्वुर नहीं होता, हाल का शामियाने का तसव्वुर नहीं होता, वो हमेशा से है। महबूब रुको नहीं, महबूब आजा, आजा महबूब आजा, मुस्तफा गए रुक गए, तदल्ला रब्बे कदीर का साए करम झूम रहा। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान, इधर दना है इधर तदल्ला है, हर आदमी जान रहा है हुरूफ जब ज्यादा होगा तो माना भी ज्यादा होगा, तो अब कह लेने दिया जाए करीब दना ये मुस्तफा है। अरे बोलो ना मोहब्बत, दना ये मुस्तफा है, तदल्ला खुदा, यहाँ कुर्ब है वहाँ करीब है। अरे अब तो बोलो ना मोहब्बत से सुभान, अब आगे बढ़े मुस्तफा। फकाबा कौसैन, दो कमानों के दरमियान, कौसैन तो आप लोग जा रहे हैं, कमान होता है इधर उधर एक, और ये कब होता है जब दोनों आमने सामने होता है,
दोनों सटा हुआ होता है, दोनों मुत्तसिल होता है, इधर एक कमान का हिस्सा, एक इधर कमान का हिस्सा, अब दोनों में नजदीकी है, दोनों में कुर्ब है, दोनों में कुर्ब की बहार है। ए महबूब, अब ऐसा हो जा कि दो कमान एक हो जाए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फकाना काबा हुसैन, ए महबूब आ जा, आ जा, मैं दागल बसर हुआ माता, निगाह झपकी भी नहीं और सब कुछ मुस्तफा ने देख लिया। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा, मेरे आका ने मकामे उनमें हानी से लेके बैतुल मुकद्दस तक काफिरों ने देखा था, मुशरिकीन ने देखा था, यहूदी ने देखा था, नसारा ने देखा था, मुनाफिकीन ने देखा था। तो जो चीज देखी हुई रहती है वो दलील में पेश कर दिया जाए तो लोग इनकार नहीं करेंगे। ए सुनाओ, जब मेरे आका मेराज से तशरीफ ले आए ना तो मदीने पाक में ऐलान फरमा रहे हैं, देखो मुनाफिक खड़ा हो गया, अबू जहल खड़ा हो गया, मैं नहीं मानूंगा, ये मोहम्मद क्या बोल रहे हैं। दौड़े दौड़े कहाँ गए? अबू बकर की बारगाह में, हजरत अबू बकर की बारगाह में गए और कहा, ए अबू बकर, ए थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, ए अबू बकर, अरे तुम्हारे मोहम्मद ने तो हद कर दिया, अब बोलता है हम गए आए, बिस्तर भी गरम है, कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, मस्ती में झूमो। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए अबू जहल, ये किसकी बोली है? कहा कि मोहम्मद की बोली है, ये नबी आजम की बोली है, सैयदुल अंबिया की बोली है। तो अबू बकर ने कहा, अरे अय्यामे जहालत में तो लोग सादिकुल कौल कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, रास्तेबाज कह रहे थे, सादिकुल कौल कह रहे थे, अरे जब नबी ने कह दिया अबू जहल बगैर सुने हुए, मैं मान ले रहा हूँ कि मेराज में गए और आए, गए बिस्तर भी गरम। तो हजरत अबू बकर से रहा नहीं दिया, दौड़े हुए आए तो देखा कि मुस्तफा मेराज का तस्करा कर रहे हैं। मैंने जन्नत देखा, मैंने दोजख देखा, मैंने अपनी मिल्कियत का हुदूद देखा, मैंने अपने तसर्रुफ के हुदूद का मियाद देखा, मैंने बाहर जन्नत देखा, मैंने खारिज जहन्नम देखा, देखा इतना देखा कि जब रब को देखा तो सब को देखा। वो गए कहते, या रसूल अल्लाह आप सही फरमा रहे हैं। सुनिए एक जुमला, बैठ जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मुस्तफा मिराज का बयान फरमा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे गए, या रसूल अल्लाह आप जो फरमा रहे हैं सही है, आपका आना मेरे जाना मेरा, और हम लोगों के लिए तोहफे मिराज। उधर से अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है, जिब्रील देर न कर, जाओ मेरे महबूब से कह दे कि आज से अबू बकर नहीं रहेगा, अबू बकर सिद्दीक हो जाएगा। मेराज से पहले अबू बकर के साथ सिद्दीक का लफ्ज नहीं था, अबू बकर का लफ्ज मेराज के बाद हुआ। तो बताओ जिनकी मोहब्बत का सोता जब दुनिया में फैल जाए, एक कतरा मिल जाए तो जहन्नमी जन्नती हो जाता। मेराज के इनकार करने वालों, अरे अभी तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब रात को आ जाओ, पूरी रात को नहीं, लैलन में तनवीर लाया, तनवीर लाया, तनवीर तकलील का इशारा कर रहा है, ए महबूब मैं पूरी रात में नहीं सफर करवा रहा हूँ, रात के कुछ हिस्से में सफर कर रहा हूँ, एक ही आन में आए गए सब कुछ हो गया। ए महबूब मुख्तसर वक्त है, आखिर सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों हुआ? तो इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। फिर इंशाअल्लाह मैंने ये मौजू इसलिए अपनाया, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि मेराज की रात गुजर गई पता नहीं चला, तो काश के आज अगर खिताब होगा तो मेराज पे बोलिएगा, नहीं तो मैंने सोचा था कि अली सलाम मीम पे बोलूं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नबी के मेराज जिस्मानी के कायल होने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और मोहब्बत नबी का सागर इरफा पी पी कर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।